और अब खबर बिहार से, जहां पर अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वक्त से पहले भी चुनाव हो सकता है। इन कयासों को तब और ज्यादा बल मिलता है जब जेडीयू के चुनाव प्रभारी जो है अलग अलग विधानसभाओं में, उनकी बैठक हुई और चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा भी हुई। तैयारी क्या माना जाए? कुछ नहीं, हम जनता दल में नहीं हैं। इनका नाम बिजेंद्र यादव है, फिलहाल नीतीश कुमार की कैबिनेट में बिजली मंत्री हैं। सुबह जेडीयू की बैठक में पहुंचे तो पत्रकारों से कह दिया कि वो पार्टी में ही नहीं है और बाद में सफाई दी कि मजाक कर रहा था। तैयारी क्या माना जाए सर? कुछ नहीं, हम जनता दल में नहीं हैं। कोई नाराजगी नहीं, झूठ बात। असल में बिजेंद्र यादव सुबह जब पार्टी की बैठक के लिए पहुंचे तो उसमें उन्हें अपनी तस्वीर नहीं दिखी। कहा जा रहा है कि इसी बात को लेकर वो नाराज हो गए। खबर मीडिया में फैली तो पार्टी के नेता मनाने पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था, उन्होंने जब कहा कि नहीं, पुराने हमारे वशिष्ठ बाबू का, उनका कि भाई उन लोगों को भी बुलाना है, तो बुलाया गया। पोस्ट किस पोस्ट? हमें इस बारे में मालूम ही नहीं, कौन पोस्ट के बारे में। नाराज क्यों हुए? कहाँ नाराजगी था, हम तो जब वहीं खड़े हैं, कहाँ उनका नाराजगी दिख रहे हैं। तो मेरे साथ गए, आराम से जाकर के बैठे वहाँ। ये तो रही जेडीयू के अंदर की बात। अब जो बाहर चर्चा है उसके मुताबिक जेडीयू ने विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। पटना में आज पार्टी के प्रदेश भर के नेताओं और विधानसभा प्रभारियों की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जल्द चुनाव हो सकते हैं। समय पूर्व बिहार विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि 4 सीटों पर जो उपचुनाव होना था उसके भी तिथि की घोषणा नहीं की जा रही है। जिस तरह से सरकार में बेचैनी है, सरकार ताबड़तोड़ शिलान्यास और उद्घाटन और इसका कर रही है तमाशा। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से कहा यही जा रहा है कि चुनाव समय से यानी अगले साल नवंबर में ही होंगे। वैसे हर कोई अपनी पूरी तैयारी की बात कह रहा है। तैयारी तो 243 सीट पर सभी पार्टी के लोग करते हैं, हमारी पार्टी भी कर रही है। अगर वैसी परिस्थिति आती है कि समय से पहले भी चुनाव हो तो पूरे तौर पे हम लोग तैयार हैं। चुनाव में कभी भी चुनाव हो, हर तरह से हम लोग तैयार हैं। 243 पर हमारी तैयारी है और हम सब कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि सब सीटों पर आप तैयार रहिए। इसलिए तैयार रहिए कि आपको लड़ाई तो लड़नी है सारे सीटों पर। आप जितना सीट पर हम लड़ेगा उसके अलावा भी सारे सीटों पर आपको लड़ना है, इसलिए तैयारी हम लोग सब सीटों पर कर रहे हैं। बिहार में जल्द चुनाव की चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही है। कि जातीय जनगणना का जो शोर अब तक विपक्षी खेमे से सुनाई देता था, वो शोर अब एनडीए से भी सुनने को मिल रहा है, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी ने यह साफ कर दिया है कि वो भी जातीय जनगणना चाहते हैं। जातीय जनगणना को लेकर हम लोगों की ओर से जो हमारा स्टैंड है उससे केंद्र सरकार को अवगत करा दिया गया है। हम लोगों की जरूर इच्छा है कि अगर पूरे देश भर में जातीय जनगणना होती है तो ये अच्छी बात है। जिस जातीय जनगणना को लेकर अब तक समूचा विपक्ष लामबंद था, अब उसकी गूंज एनडीए के साथी दलों के खेमे में भी सुनाई देने लगी है, क्योंकि अब तक सिर्फ नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी ही जातीय जनगणना की बात कह रही थी। लेकिन अब तो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी भी जातीय जनगणना कराने को लेकर मुखर हो गई है। वो हमारे सहयोगी हैं, उनकी अपनी पार्टी है। जनगणना अभी पेंडिंग है, जनगणना होनी है देश की, लेकिन हमारी प्राथमिकता में गरीब हैं, युवा हैं, महिला हैं, किसान हैं, और उसी आधार पर देश का विकास हमारी पार्टी और हमारी सरकार करना चाहती है। जेडीयू और टीडीपी केंद्र सरकार की सहयोगी हैं, या ये कहें कि एक राइट हैंड है सरकार की तो दूसरी लेफ्ट हैंड है, लेकिन जाति जनगणना के मोर्चे पर दोनों केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाती दिख रही हैं। दरअसल बीजेपी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। वो कांग्रेस और दूसरी तमाम विपक्षी दलों को ये कहकर घेरती रही कि ये जातीय जनगणना के जरिए देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आवाज एनडीए के अपने खेमे से उठी है, क्योंकि जातीय जनगणना के समर्थन में लाइन लंबी होती जा रही है। जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी, हम, निषाद पार्टी, अपना दल एस और सुभा सपा जातीय जनगणना का समर्थन कर चुके हैं, और अब चौतरफा बनते दबाव के बाद ये खबर आ रही है कि केंद्र सरकार जनगणना में जाति का कॉलम जोड़ने पर विचार कर सकती है, क्योंकि बिहार बीजेपी भी जातीय गणना के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।